हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लाई हूँ, आलू शिमला मिर्च विद पोस्तो ग्रेवी एंड 3 लेयर पराठा। आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। आलू, 2 आलू मैंने बड़े साइज के लिए हैं, इनको छील के अच्छी तरह से धोकर काट लीजिए। शिमला मिर्च है, ये 250 ग्राम शिमला मिर्च है। पोस्तो है, 3 चम्मच पोस्तो है, मैंने इसको 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा है। 4 प्याज है, ये इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। ये मैंने मसाले लिए हैं, काली मिर्च आधी चम्मच है, 1 चम्मच धनिया है, ये 1 चम्मच जीरा, ये मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, ये 4 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है, 1 टमाटर ली हूँ, 7-8 कली लहसुन का है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और कढ़ाई रखी हूँ गैस पे। 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम शिमला मिर्च को बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं आलू फ्राई कर लूंगी। थोड़ा नमक डाल के आलू भूनेंगे। देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें भी बर्तन में निकाल लूंगी। तेल में तेज पत्ता डालूंगी, इलायची डालेंगे, लौंग। देखिए मसाला हमारा भून गया है, अब मैं इसमें प्याज डाल के भूनूंगी। जब तक प्याज हमारे भून रहे हैं, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने मिक्सर जार लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, पोस्तो दाना। अब हम ढक्कन बंद करके मसाले ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मसाला हमने पीस लिया है, प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं मसाला डालूंगी। अब हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब मैं टमाटर की प्यूरी डालूंगी। मसाले हम धीमी आंच पर भूनेंगे। देखिए मसाले हमारे भून गए हैं, देखिए मसालों में तेल ऊपर दिख रहा है। अब हम फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। मसाले और आलू भी हमने भून लिए, अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम बहुत कम डालेंगे। देखिए ग्रेवी हमें थिक रखनी है, इसलिए पानी ध्यान से डालिए। अब हम 2 से 3 मिनट तक ढककर धीमी आंच पर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने ग्रेवी पका ली है। अब मैं शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च को हम सबसे बाद में डाल रहे हैं क्योंकि इसका कलर चेंज ना हो। देखिए शिमला मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट हम इसे सब्जी को और पकाएंगे। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, अब मैं पराठा बनाऊंगी। अब हम 1 कटोरी आटा लेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और बहुत थोड़ा नमक डालना है हमें। अब हम धीरे धीरे पानी डालते हुए एक नरम डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार है, अब हम पराठे बनाएंगे। देखिए मैंने आटे की लोई ले ली है, अब मैं इसे पराठा बनाऊंगी। मैंने रोटी को बेल लिया है, अब मैं तेल लगाऊंगी। फॉर्चून तेल, अब इस साइड भी तेल लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
और अब हम बेलन से पराठा बेल लेंगे। देखिए मैंने इस तरह पराठा बना लिया है, अब मैं इसे सेक लूंगी। अब हम दोनों साइड तेल लगाएंगे। इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। हमारे पराठे भी बनकर तैयार है, अब मैं इन्हें सर्व कर लूंगी। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार है, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है देखने में। और ये मैंने 3 लेयर पराठा बनाया है, ये देखिए 3 लेयर इसकी। दोस्तों आप मेरी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।